गाइस वेलकम टू मम्मीज किचन। हमने रख लिया है तेल हिसाब से, सब्जी के हिसाब से, ठीक है। जीरा डाल लेते हैं, प्याज मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। और कड़ी पत्ता डाल दिया है थोड़ा सा, और पीसने में भी डाल दिया है कड़ी पत्ता थोड़ा सा। नमक, ठीक है, मिक्स हम डाल लेते हैं जो हमने पेस्ट बनाया है ये, ठीक है। सब मिक्स करके अच्छे से पेस्ट बना दिया है हमने, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर दो इसको। हम बना रहे हैं तुरी या फिर तुराई, ये दोनों कहा जाता है इसको, तुरी और तुराई, और मूंग की दाल के साथ। डाल लेते हैं इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, 3 चुटकी इतना गरम मसाला, टमाटर। हम टमाटर इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। अच्छे से आधा चम्मच और डाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले प्याज में भी डाला हुआ था, अभी इसमें थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ठीक है। हम डाल देते हैं भीगी हुई दाल। आप चाहे तो चने की दाल में भी बना सकते हो, चने की दाल में भी बहुत टेस्टी लगती है, ठीक है। कर लेते हैं मिक्स। हम इसमें मिर्ची पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ठीक है। हम ऐसे ही बनाएंगे इसको, बहुत टेस्टी बनता है ये। जो हमने मिर्ची का पानी, जो हमने मसाला बनाया ठेसे का, उसका मिक्स है। कुछ इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है, 2 तुराई है ये, ठीक है। मैं अच्छे से धो के ले लिया है मिक्स, मिर्ची वाला बना दिया है। मिर्ची कुछ अच्छी, बहुत तीखी वाली मिर्ची है, मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है 4-5 मिर्ची। भाजी में कितना पानी छूट गया है, दाल भी अच्छे से पक गई है, ठीक है। अच्छे से हो गई है रेडी, ठीक है। दाल भी अच्छे से गल गई है, तुराई तुरी भी अच्छे से गल गई है। बंद कर देते हैं गैस। एक बार मूंग की दाल और तुराई, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, ठीक है। हमने इसके साथ टमाटर सूप भी बना लिया है, टमाटर का रसम बोलते हैं इसको, जो मैंने बना लिया है राइस के साथ खाने को, ठीक है। और चपाती, तुराई की भाजी मूंग की दाल के साथ बहुत टेस्टी बनी है, ठीक है। चलो मिलते हैं कुछ और अच्छी टेस्टी वाली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।